हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। एक मकड़ी अपना जाला बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसें। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियां, तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वह वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो, तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी, उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे सलाह देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है, यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की सलाह मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सबके बीच पूरा दिन निकल चुका था, वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई, वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाए। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ, उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊंट बैठ जाए तब तुम सो जाना। यह कहकर
पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? व्यक्ति ने उत्तर दिया, कहां बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे ऊंट खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही है। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रख कर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां बिनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। दोस्तों, यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रह कर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आंकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कहानियाँ आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।